हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी एट फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द पेंटियम पाठ्यक्रम में भाषा के अंतर्गत, जैसा कि हमारा लगातार चैप्टर चल रहा है कक्षा प्रवचन एवं भाषा का विकास, जिसमें हमने अब तक कक्षा प्रवचन का अर्थ, परिभाषाएं, प्रकृति, मीडियम तथा उसकी ध्यान देने योग्य बातें तथा मौखिक भाषा की युक्तियों का प्रयोग आदि पॉइंट्स के विषय में जाना और समझा। आज हम देखेंगे अधिगम के उपकरण अर्थात टूल्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के अनेक उपकरण हैं जिनकी सहायता से बालक की भाषा का विकास अच्छी प्रकार से हो सकता है, उसमें सुधार आ सकता है और बालक निर्भीक होकर अपनी बात को कह सकने में समर्थ हो सकता है, अथवा जब टीचर के रूप में बनेगा तो बच्चों को समझाने में समर्थ हो सकता है। किसी भी बात को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना ही भाषा का प्रमुख आधार स्तंभ है। कहने के लिए तो पढ़कर कोई भी समझा सकता है, परंतु जब बालक किसी भी विषय को या फिर किसी भी विषय का कॉन्सेप्ट अच्छी प्रकार समझ लेता है तो उसी जो है अच्छी प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है। तो आज हम अधिगम के उपकरण यानी टूल्स ऑफ लर्निंग के अंतर्गत विचार विमर्श के विषय में जानेंगे और समझेंगे। विचार विमर्श कोई नवीन प्रत्यय नहीं है। घरों में अथवा सामाजिक अवसरों पर अक्सर विचार विमर्श किया जाता है। उदाहरण के लिए समाज में मान लीजिए दहेज प्रथा कैसे समाप्त करने प्रकरण पर अक्सर सामाजिक विचार विमर्श चलता रहता है। विद्यार्थी भी समय समय पर अपनी समस्याओं से निपटने के लिए आपस में तथा अपने से बड़ों के साथ विचार विमर्श करते रहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से आश्रम ही विचार विमर्श के केंद्र थे। आचार्य अपने शिष्यों के साथ ज्ञान बिंदुओं पर विचार विमर्श करते थे, परंतु आश्रमों के समाप्त होने पर ये तकनीकी शिक्षा से धीरे धीरे समाप्त प्रया होने लगी। आज अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श का अर्थ। इस विषय में कहा जा सकता है ए पेडागॉजिकल अप्रोच यूज्ड टू प्रमोट नॉलेज communities building in the form of dialectical conversation and so drawing on the multiple perspectives of the participants in the discussion and their unique experiences and knowledge contributions। एक शैक्षणिक दृष्टिकोण का उपयोग द्वंद्वात्मक बातचीत के रूप में ज्ञान समुदायों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ावा दिए जाने के लिए किया गया है और चर्चा में भाग लेने वालों के कई दृष्टिकोणों और उनके अनूठे अनुभवों और ज्ञान योगदान के माध्यम से किया गया ही विचार विमर्श है। जनतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रारंभ होने से पुनः विचार विमर्श तकनीक को बल मिला है। विचार विमर्श कक्षा कक्ष के वातावरण को सजीव एवं रोचक बना देता है। यदि अध्यापक लगातार व्याख्यान देता रहे तो शिक्षार्थी उसे सुनते सुनते थक जाते हैं। उनकी स्थिति केवल एक मूकदर्शक के रूप में होती है। इसके विपरीत यदि वह शिक्षण में विचार विमर्श तकनीक का प्रयोग करता है तो उसमें कला के अधिकतम शिक्षार्थी भाग लेते हैं तथा विचार व्यक्त करते हैं। गुड ने इस विषय में लिखा है अपने शब्दकोश में, यानी कि गुड के शब्दकोश के अनुसार विचार विमर्श किसी प्रकरण या समस्या पर से
संबंधित एक ऐसी प्रविधि है जिसमें शिक्षार्थी अपने विचार विमर्श के बाद एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये हम देख रहे हैं डेफिनेशंस ऑफ डिस्कशन। तो सबसे पहले हमें ये देख लीजिए गुड महोदय के शब्द कोश के अनुसार या फिर गुड महोदय की दी हुई परिभाषा। सेकंड पॉइंट पर हम देखेंगे क्लास और इसका की दी हुई परिभाषा। इन्होंने लिखा है विचार विमर्श में किसी व्यक्ति के अहम की संतुष्टि के लिए कोई स्थान नहीं है और न ही इसमें किसी को अपने विचार या अन्य व्यक्तियों के या फिर अन्य व्यक्तियों पर थोपने का अवसर दिया जाता है, न ही ये व्याख्यान अथवा विमोचन का पर्यायवाची है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है किसी भी विषय पर जब विचार विमर्श किया जाता है तो किसी भी बात को ऐसा नहीं है कोई ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है अथवा जिसके पास ज्यादा सोर्स है उसकी गलत बात को भी स्वीकार कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। विचार विमर्श में कोई भी टॉपिक लिया जाता है जिस पर सही निर्णय लिया जाता है और उसी पर एक तरह से विचार विमर्श होते हैं। विचार विमर्श का प्रयोग या उपयोग सामान्यतः समाजवादी समाज में किया जाता है या जो है इसका प्रयोग होता है वादी वाद विवाद से भिन्न है क्योंकि इसमें भाग लेने वाला व्यक्ति समस्या के मूल स्रोत को तलाशने की कोशिश करता है जबकि वाद विवाद में यह सत्य को खोजने का प्रयास करने की अपेक्षा वह के द्वारा अपने पक्ष को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर बात तथ्य ये निकल कर आता है कि विचार विमर्श में विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहते हैं तथा शिक्षक उनको आवश्यकता अनुसार निर्देशन प्रदान करते हैं। ये शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण प्रविधि है जो कि अध्यापक के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे स्टेप ऑफ डिस्कशन, विचार विमर्श के सोपान। विचार विमर्श के मुख्य रूप से तीन सोपान बताए गए हैं जिसमें पहला सोपान है पूर्व तैयारी यानी कि प्रिपरेशन, पहले से ही इसकी तैयारी की जाती है। दूसरा पॉइंट है विचार विमर्श का संचालन प्रोसीजर ऑफ डिस्कशन। थर्ड पॉइंट में आएगा इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं पूर्व तैयारी। विचार विमर्श की प्रक्रिया या प्रोसेस समुचित वातावरण में एनवायरमेंट में ही संपन्न हो सकती है। विचार विमर्श हेतु वातावरण जितना अनुकूल होगा विचार विमर्श उतना ही प्रभावी रूप से संपन्न हो सकेगा। विचार विमर्श के लिए बालकों की अर्धचंद्राकार बैठक व्यवस्था सर्वोत्तम मानी गई है। विचार विमर्श में मुख्यतः विद्यार्थी भाग लेते हैं अतः शिक्षक शिक्षार्थियों का प्रस्तावना द्वारा प्रकरण की जानकारी देता है तथा उन्हें स्वाध्याय हेतु प्रेरित करता है। यदि शिक्षार्थी या विद्यार्थी समस्या से कोई प्रॉब्लम जो भी है उससे संबंधित साहित्य का पूर्व में अध्ययन कर लेते हैं तो विचार विमर्श आसानी से होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि सेकंड पॉइंट है प्रोसीजर ऑफ डिस्कशन या विचार विमर्श का संचालन किस तरह से होता है। विचार विमर्श की प्रक्रिया प्रोसेस का प्रारंभ अध्यापक या शिक्षार्थी किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। यदि शुरू में रोचक ढंग से किया जाता है या शुरुआत उसकी रोचक ढंग से होती है तो ये अधिक रुचिकर या रुचिपूर्ण बन जाता है। आवश्यक प्रकरण की प्रस्तावना किसी कहानी कोई भी स्टोरी हो सकती है, कोई घटना हो सकती है अथवा एग्जाम्पल से बन सकती है। वायु प्रदूषण पर विचार विमर्श भोपाल गैस दुर्घटना का उदाहरण देकर प्रारंभ किया जा सकता है। बहुत सी बातें ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिससे कि जो है विचार विमर्श शुरू किया जा सकता है। विचार विमर्श को उद्देश्यपूर्वक या उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए एक टीचर जो भी टॉपिक है का एक एक पक्ष लेता है जिस पर स्टूडेंट खुलकर चर्चा करते हैं। टीचर अपना समूह या ग्रुप का संचालन आवश्यकता अनुसार बीच बीच में प्रश्न कर विचार विमर्श की धारा को उद्देश्यपूर्ण दिशा की ओर मोड़ कर चला जाता है। विचार विमर्श के अंत में कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। ये निष्कर्ष छात्रों द्वारा अध्ययन के मार्गदर्शन में प्राप्त किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो अध्यापक पूरे विचार विमर्श का सारांश भी प्रस्तुत करता है यानी जो पूरा विचार विमर्श किया गया उसका सारांश प्रस्तुत किया जाता है।
विचार विमर्श के जो बिंदु होते हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि प्रस्तावना है, विश्लेषण, व्याख्यान, सारांश। विचार विमर्श के समक्ष कक्षा का आकार बड़ा होता है तो सभी बालकों द्वारा विचार विमर्श में भाग लिया जाना संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में कक्षा को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर देना चाहिए, कर दिया जाता है। ये उप समूह अपने सदस्यों में विचार विमर्श कर पूरे दल के सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, जहां पुनः विचार विमर्श किया जाता है। अंत में मूल्यांकन होता है। विचार विमर्श स्वदेश क्रिया है, ये तो पहले से ही बताया जा चुका है। हमें कोई भी समस्या ऐसी ली जाती है जिसका कोई निष्कर्ष निकाला जा सके, जो शैक्षिक क्षेत्र में उपयोगी बन सके, शिक्षार्थियों को दिशा निर्देश दे सके और शिक्षार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सके, तो विचार विमर्श स्वदेश क्रिया है, जिससे ये ज्ञात करना भी आवश्यक हो जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की, जो उनके लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। ये मूल्यांकन मौखिक तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जा सकता है, यानी मौखिक रूप से तो होता ही है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, हमारा शुरू का मेन टॉपिक है कक्षा प्रवर्तन एवं भाषा का विकास, तो मौखिक रूप तो है ही। इसमें साक्षात्कार का भी प्रयोग किया जा सकता है और साक्षात्कार में उनसे कुछ प्रश्न बनाए जा सकते हैं छात्रों से और उनसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने देखा टूल्स ऑफ लर्निंग के अंतर्गत विचार विमर्श अर्थात डिस्कशन, और उसके अंतर्गत हमने मीनिंग ऑफ डिस्कशन, डेफिनेशन ऑफ डिस्कशन तथा इसके सोपान यानी स्टेप्स ऑफ डिस्कशन के विषय में जाना और समझा। स्टेप्स ऑफ डिस्कशन के अंतर्गत हमने तीन पॉइंट लिए थे, जिसमें था पूर्व तैयारी, दूसरा था विचार विमर्श का स्वरूप और संचालन, तथा थर्ड पॉइंट है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।